नमस्कार, वीएमए भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते हैं खास खबर की ओर। एसडीएम कार्यालय शिफ्ट करने के आदेश का दी बार एसोसिएशन व जिला बार एसोसिएशन सहित कई अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। एसडीएम कार्यालय का कलेक्ट्रेट में ही रखने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट सुनील शर्मा गजराज सिंह ने एसडीएम कोर्ट को आमेर भेजने का विरोध किया है। उनका कहना है कि आमेर तहसील के राजस्व गांवों की भौगोलिक स्थिति को समझे बिना जयपुर को कलेक्ट्रेट से एसडीएम कार्यालय को आमेर शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आमेर तहसील में कुल 195 गांव हैं, इनमें से 170 गांव सीकर रोड से जुड़े हुए हैं। सिर्फ 25 गांव ही आमेर के नजदीक दिल्ली रोड पर स्थित हैं। आमेर तहसील के पूर्वी भाग में जम्मारामगढ़ तहसील का क्षेत्र पड़ता है। महासचिव गजराज सिंह राजावत ने बताया कि अधिवक्ताओं का कहना है कि आमेर और सीकर रोड के बीच नाहरगढ़ वन क्षेत्र होने के कारण सीकर रोड के आसपास रहने वाले लोगों को आमेर जाने के लिए कलेक्ट्रेट चांदपोल सुभाष चौक जोरावर सिंह गेट होते हुए आमेर जाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता एक्सप्रेस हाईवे होकर चंदवाजी से आमेर जाता है। ऐसे में सीकर रोड क्षेत्र के सेवापुरा नागलपुरा हितान हरमाड़ा रामलेवास गोविंदपुरा जयरामपुरा महेशवास कला हरचंदपुरा चंद्रपुरा विजयपुरा नागल मुड़ोता राजेदा सिरसी राधाकिशनपुरा जालूसा जाहोता टाटियावास आदि ग्राम पंचायत के लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। आमेर कोर्ट के मामले में जो एसडीएम आमेर न्यायालय था उसको एक आदेश के तहत राज्य सरकार के आदेश के तहत आमेर भेज दिया गया, जबकि सीकर रोड पर करीबन 150 गांव लगते हैं तो उनको जयपुर होते हुए आमेर जाना पड़ेगा। इससे जो राज्य सरकार का वादा है आम जनता से कि सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलेगा, उस वादे को राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाएगी और करीबन 20 किलोमीटर दूर आमेर जाकर के आमेर कोर्ट में न्याय लेना पड़ेगा, जहां पर अभी कोई व्यवस्था नहीं है, कोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है और मात्र एक हाथियों के बाड़े में कोर्ट चल रहा है। और वहाँ तक जाने का मुंडोता गांव से लेकर के और आमेर तक जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, सिर्फ जयपुर होकर के जाना पड़ता है। तो ऐसे में जबकि आम जनता की मांग को बार एसोसिएशन द्वारा उठाया जा रहा है, वकीलों द्वारा उठाया जा रहा है और हमारी मांग है कि राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से इसके अंदर संशोधन करें और आमेर कोर्ट को जयपुर कलेक्ट्रेट में ही बहाल करें, जिससे कि आम जनता को सस्ता त्वरित गति से न्याय मिल सके। और चूँकि हमारी हड़ताल और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार हम 20 तारीख से कर रहे हैं लगातार और कल से हम कर्मी कंसन आभार का पूर्व अध्यक्ष ये राज्य सरकार को आगाह करता हूँ कि जो हमारी मांग आमेर कोर्ट वासिफ्ट की है उन्होंने गलत किया। राज्य सरकार ने ये जायज़ मांग है। जायज़ मांग क्यों है? क्योंकि जो आमेर जाने के लिए इधर से 75 किलोमीटर चोमू रोड की तरफ से आकर के अड़मड़ा से आगे और फिर जयपुर आएगा, जयपुर आकर के आमेर जाएगा तो आमेर जाने के लिए बड़ी परेशानी होगी, क्लाइंट्स को भी असुविधा होगी क्योंकि पहले कलेक्ट्रेट आओ, कलेक्ट्रेट से फिर बड़ी चौपड़ जाओ, बड़ी चौपड़ से फिर आमेर जाओ। ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार ने यह आदेश विड्रा नहीं किया तो मैं राज्य सरकार को आगाह करता हूँ कि अगर इसमें कोताही बढ़ती तो मैं आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हूँ। आमेर कोर्ट यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी और आमेर कोर्ट को सरकार को रखना पड़ेगा। ऐसी खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीएमए भारत टीवी के साथ। नमस्कार।